मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से बीजेपी विधायक हैं। वह उज्जैन के प्रीगंज इलाके में रहते हैं। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की है। इनका मुख्य व्यवसाय वकालत और कृषि है। इसके अलावा यह करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी हैं। मगर इनकी संपत्ति कितनी है यह आम लोगों को नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संपत्ति कितनी है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मगर वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। संपत्ति के मामले में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के ज्यादातर विधायकों को पीछे छोड़ रखा है। परिवार में इनकी पत्नी के अलावा दो बेटे और एक बेटी है। इनके पास कुल 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति का इजाफा बीते 5 साल में हुआ है। इसके अलावा वह काफी पढ़े लिखे भी हैं। एजुकेशन की बात करें तो मोहन यादव एमपी के सबसे पढ़े लिखे विधायकों में से एक हैं। वह डॉक्टरेट हैं। इन्होंने पीएचडी की है। इसके अलावा इन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।